हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। प्यारे बच्चों और हमारे डियर एस्पेरेंट, सभी का स्वागत है। और युवराज बैच में अब वक्त हो चुका है सब्जेक्ट इंग्लिश का। और यहाँ पर आपके सामने जो थंबनेल दिखाई दे रहा है, इसमें हम युवराज बैच में हम टेंस की सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ लगने वाली है और हमारा इरादा है कि इस बार पूरी गर्मियों में हम ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ग्रामर में हम टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद में आपको पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपको कराऊंगा। ओके, तो मैं क्या कह रहा था कि हम लोग ग्रामर करेंगे और ग्रामर के बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर पूरा हम लोग कवर करेंगे। तो थोड़ा सा इस बार हम लोग को इस गर्मी की छुट्टियों में इंग्लिश फ्रेंडली बनना है और हम लोग अपने अपनी पूरी की पूरी इंग्लिश को बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है आज के टाइम में आपके पास जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आज आपको देने पड़ते हैं लाइफ में, उनमें सब में इंग्लिश का एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सब में इंग्लिश कहीं ना कहीं पूछी जाती है, ग्रामर कहीं ना कहीं पूछी जाती है, तो हमें ग्रामर बहुत अच्छा करना है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। अभी हम टेंस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें जनरल बोलना कैसे सीखना है, कि हम बोलें कैसे चीज़ों को, उसको लेके हमें टेंस पढ़ना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेंस चलते हैं। ये आपके सामने जो है, मैं टेंस का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं और टेंस का इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देंगे आपको। तो सबसे पहले टेंस होता क्या है। ओके, टेंस का मतलब होता है समय, यानी कि हिंदी में टेंस को बोलते हैं समय या काल। क्योंकि आप लोग सब लोग इंडियन हैं तो हम लोग को हिंदी ज़्यादा अच्छी समझ में आती है, तो इंग्लिश भी पढ़ेंगे हम, तो हिंदी की मदद लेके मैं आपको क्लियर करूँगा। तो टेंस का मतलब होता है समय, और समय मीन्स होता है क्या, काल। तो टेंस मतलब काल, काल यानी समय। आपको पता है समय कितने टाइप का होता है। समय जो होता है तीन टाइप का होता है, एक बीता हुआ समय, एक होता है जो अभी समय चल रहा है, और एक होता है समय जो आया नहीं है, आने वाला है। तो टेंस यानी कि समय जो होता है, जो काल होता है, वो तीन प्रकार का होता है। और जब तीन प्रकार के दुनिया में समय होंगे तो बातें भी तीन प्रकार की होंगी। एक पहली बात जो आज की बात है, जो अभी की बात है, ओके, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं उसको, हम प्रेजेंट टेंस। एक जो पुराना जो समय बीत चुका है उसको हम बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं, भूतकाल। और एक जो फ्यूचर टेंस है, यानी जो भविष्य में होने वाली बातें, उनको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। ओके, तो समय जो होते हैं तीन होते हैं, तीन प्रकार के समय होते हैं। समय को हिंदी में क्या बोलते हैं, काल। क्या बोलते हैं, काल। तो काल तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, भूतकाल यानी पास्ट, और भविष्य काल यानी फ्यूचर। तो बच्चों, दुनिया में हम लोग जो भी बातें करते हैं ना, इन्हीं समय में करते हैं। मतलब हम दुनिया में जो भी बातें करते हैं, करेंगे, मतलब मेनली अभी जो बातें होने वाली हैं इस चैप्टर में, वो इन तीन ही कैटेगरी में होंगी। या तो वो आज की बातें होंगी, या वो पुरानी बातें होंगी, या भविष्य में आने वाली बातें होंगी। इन तीन बातें में ही बात करेंगे। अब आप कहोगे, क्या सर इन तीन बातों के अलावा और कोई बातें नहीं होती हैं? बच्चों, होती हैं, बिल्कुल होती हैं। इन तीन बातों के अलावा भी बातें होती हैं, मगर उनको हम अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमारा मोटिव ये है कि हम इन तीन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, सीधे सीधे भूतकाल की बातें, भविष्यकाल की बातें और वर्तमान काल की बातें, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब आप देखो बच्चों, थोड़ी सी मोटी बात है यहाँ पर, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, आपके लेवल में थोड़ी मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, कि जितने भी टेंस हैं, जैसे आपने देखा टेंस, यहाँ मैं लिख देता हूँ टेंस। टेंस के तीन प्रकार आपने देखे, प्रेजेंट, दूसरा आपने देखा पास्ट, और तीसरा आपने देखा फ्यूचर। अब बच्चों, हर टेंस के अंदर ना, हर टेंस को, प्रेजेंट टेंस को चार कैटेगरी में तोड़ा गया है। कितनी कैटेगरी में, चार कैटेगरी में। इसको भी चार कैटेगरी में तोड़ा गया है, चार कैटेगरी में तोड़ा गया है। ओके, इसको भी चार कैटेगरी में तोड़ा गया है। अब चार कैटेगरी क्या है, इन चार, देखो क्या कह रहा है, कि प्रत्येक के चार प्रकार होते हैं। ईच वन हैज फोर सब टाइप्स, मतलब हर टेंस के चार टाइप्स हैं। ये देखो आपके सामने क्या लिखा है, पास्ट, ये लिखा है प्रेजेंट, ये लिखा है फ्यूचर। तो सबसे पहले पास्ट के देखो चार टाइप है। इन चार टाइप के बारी बारी से मैं नाम पढ़ देता हूँ आपके सामने, इनके टाइप के नाम है। पहला कहलाता है इनडेफिनेट, क्या कहलाता है, इनडेफिनेट। दूसरा कहलाता है कंटिन्यूअस, तीसरा कहलाता है परफेक्ट, और चौथा कहलाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, आप इसको समझिए।
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको बोलना सीख लेना चाहिए। प्रेजेंट टेंस के चार टेंस बनेंगे, प्रेजेंट टेंस के चार तरीके बनेंगे, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक प्रेजेंट परफेक्ट और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब समझो कैसे। प्रेजेंट में, प्रेजेंट यानी जो अभी चल रहा है, उसमें इनडेफिनिट यानी कि इनडेफिनिट मतलब सीधा सीधा वाक्य जिसमें कोई तोड़ मरोड़ ना हो, तुरंत की बात, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, ये इनडेफिनिट है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब जो चल रहा है, राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। अब पीछे की चीज को पकड़ो, देखो पहले वाले में मैंने क्या बोला, खाता है, खाता है। दूसरा मैंने क्या कहा, खा रहा है, खा रहा है। तीसरा परफेक्ट, खा चुका है, खा चुका है, खा चुका है। देखो कंटिन्यूअस मतलब काम चल रहा है, अभी भी खाना थाली में बैठा हुआ है। खा चुका है मतलब खा के बस फिनिश हो गया, परफेक्ट है, काम परफेक्ट हो गया, हाँ है ना, क्लियर हुआ ना। और अगला यहां पे पर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई काम पहले से चलता आ रहा है और अभी भी हो रहा है, समझ गया ना। चार, सुबह से खाना खा रहा है, सुबह से खाना खा रहा है मतलब पहले भी था और अभी भी चल रहा है, तो वो होता परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो रहा, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब पहले से भी चल रहा है और अभी भी हो रहा है। तो दोनों की आपको आई थिंक मतलब समझ में आया सभी टेंस का, एक इंडेफिनिट मतलब जो बिल्कुल सिंपल सिंपल, एक कंटिन्यूअस जो अभी हो रहा है, एक परफेक्ट जो बिल्कुल हो चुका है, तुरंत ही तुरंत अभी हुआ है, और एक जो पहले से भी चल रहा था और अभी भी हो रहा है। ये चारों में बच्चों लगते हैं, ये चारों में होते हैं केस। तो आइए वन बाई वन हमको पढ़ना है, तो मैं आपको अलग अलग टेंस की हेल्पिंग वर्ब बता देता हूँ कि अलग अलग टेंस में वर्ब कौन सी यूज़ होंगी। हालांकि मेरे वर्ब बताने से आपको अभी इनका इस्तेमाल समझ में नहीं आएगा, इनका यूज़ आपको मैं सब पढ़ाऊँगा, जब मैं आपको चैप्टर कराऊँगा तब आपको इसका यूज़ समझ में आएगा। तो अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूँ, टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती हैं, तो प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं उनके नाम देख लो, डू है, डज है, इज़ है, एम है, आर है, हैज़ है, हैव है, हैज़ बीन और हैव बीन, मतलब जितने भी चार टाइप की कैटेगरी हैं उन सब में इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं होगा, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, बस यही लगनी है चार चीज़ें। ओके, यही लगनी है चार चीज़ें। अब मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ बेटा, डू और डस किस में लगनी है, इंडेफिनिट में, किस में लगनी है, इज एम आर किस में लगनी है, कंटिन्यूअस में, किस में लगनी है, कंटिन्यूअस में, हैज़ हैव किस में लगनी है बच्चों, हैज़ हैव लगनी है परफेक्ट में, और हैज़ बीन और हैव बीन लगनी है किस में, बिल्कुल सही, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ऐसे पास्ट टेंस की वर्ब देख लो, डिड पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में देख लो, पास्ट में भी चार हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि इनका हिंदी में मीनिंग, राम खाना खाया था, इंडेफिनिट, खाया था, प्योर पास्ट, खाया था, कंटिन्यूअस, राम खाना खा रहा था, यस, हो रहा है अभी भी, डूइंग वर्ड, कंटिन्यूअस जहां भी आए मतलब समझ लो हो रहा है, आईएनजी लगेगा क्योंकि जहां पे भी रहा आएगा वहां पे आईएनजी, परफेक्ट, राम खाना खा चुका था, खा चुका था, तुरंत का पास्ट, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सुबह 4 बजे से खाना खा रहा था, कुछ काम पहले से चल रहा था और तब भी जब देख के आए तब भी चल रहा था, हाँ रहा था बेटा, पास्ट है तो था आएगा, ये रहा है तो हो गया, वो तो प्रेजेंट में जाएगा, वो क्लियर है, हाँ ऐसे ही फ्यूचर में चार बनेंगे, ऐसे फ्यूचर में ही चार बनेंगे। आइए देखते हैं, तो ये देखिए पास्ट की वर्ब, तो डिड किस में लगेगी, इंडेफिनिट में, वाज वर्ब किस में लगेगी, कंटिन्यूअस में, हैड किस में लगेगी, परफेक्ट में, और हैड बीन किस में लगेगी,
परफेक्ट कंटिन्यूअस में, बिल्कुल सही। ऐसे फ्यूचर में विल किस में लगेगी? शैल और विल दो होती हैं, शैल और विल किस में लगती हैं? इनडेफिनेट में। विल भी शैल भी किस में लगती है? कंटिन्यूअस में। एक शैल भी छोड़ दिया यहाँ पे, कंटिन्यूअस में। विल हैव, शैल हैव किस में लगेगी? परफेक्ट में। और विल हैव बीन और शैल हैव बीन किस में लगेगी? परफेक्ट कंटिन्यूअस, बिल्कुल सही। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे और प्रेजेंट टेंस में हम सीखेंगे इनडेफिनेट। क्या सीखेंगे? इनडेफिनेट, यस। प्रेजेंट इनडेफिनेट, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, वर्तमान काल। और इनडेफिनेट को हिंदी में बोलते हैं बच्चों सकारात्मक। क्या बोलते हैं? जी हाँ, सकारात्मक। प्रेजेंट इनडेफिनेट मतलब बच्चों इसमें सीधे सीधे वर्ड आपको लगने हैं, इनडेफिनेट में सीधा सीधा रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या होता है प्रेजेंट इनडेफिनेट में, पहचान क्या होगी? इस टेंस में जो रहता है, इस टेंस में जो आपका मुख्य क्रिया होती है ना, जो जिसमें करना होता है, काम होता है जिसमें, उसमें ता ते ती लगा होता है। ता ते ती तुरंत की बात है। अगर तुरंत में कोई काम कर रहा है तो जैसे कोई आपका दोस्त अभी खाना खा रहा है तो आप क्या बोलोगे? राम खाना खाता है। ताते ती तुरंत की बात कर रहे हो ना, तो क्या है इसमें आएगा? खाता है, खाती है, खेलता है, खेलती है, पढ़ता है, पढ़ती है, है ना। जैसे आप देखोगे अपने सर को और आप कहोगे मेरे सर पढ़ाते हैं, मेरे सर क्या हैं? पढ़ाते हैं, यस पढ़ाते हैं। अब देखो भाई आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि सर वो बट अभी तो पढ़ा रहे हैं, अभी तो पढ़ा रहे हैं, तो वो जाएगा कंटिन्यूअस में। वो किस में जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। क्या जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मगर प्रेजेंट इनडेफिनेट ज़्यादा आदत को बताता है। किसको बताता है? आदत को, वो करते ही हैं, आदत को बताता है। एक्चुअली ताते ती जो यूज़ होता है ना, राम खाना खाता मतलब खाना खाना शायद उसकी आदत है, वह खेलता है मतलब कहीं ना कहीं उसकी आदत को बता रहा है, वह पढ़ता है तो उसकी आदत को बता रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ये मेनली जो होता है ताते ती का यूज़ हुआ करता है। किसका यूज़ होता है? ताते ती। अब भाई इसकी सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ी पहचान इसकी, इसमें एस और ई एस का यूज़ होता है। वर्ड प्रेजेंट इन द इनडेफिनेट फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर। अभी थर्ड पर्सन और सिंगुलर क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए बच्चों इंग्लिश में तीन पर्सन होते हैं, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में तीन पर्सन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकेंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। ये तीन पर्सन हुआ करते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। अब जैसे मैं आपके लिए हिंदी में लिख रहा हूं, मैंने राम को कहा, मैंने राम को कहा पवन क्या खेलता है, पवन क्या खेलता है। अब देखो बच्चों कितना मस्त वर्ड है, मैंने राम को कहा पवन क्या खेलता है। यहां पर तीनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आ जाएगा। मैंने सबसे पहले कौन है? मैं, तो ये है फर्स्ट। मैं किससे बात कर रहा है? राम से, राम हो गया सेकंड। और किसके बारे में बात कर रहा है? पवन के बारे में, तो ये पवन क्या हो गया? थर्ड। तो सीधी सीधी बात है, जो बात करता है वो फर्स्ट होता है, जिससे बात करता है सेकंड होता है, जिसके बारे में बात करता है, बहुत सही, वो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको पहचान बता दूं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की पहचान क्या है। फर्स्ट पर्सन में आते हैं कुछ सब्जेक्ट आते हैं, हम किसके बारे में बता रहे हैं आपको? सब्जेक्ट। क्या बता रहे हैं? सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन में आने वाले सब्जेक्ट हैं आई और वी, आई और वी। सेकेंड पर्सन, मैं सेकेंड पर्सन जिससे बात करूंगा, मैं किससे बात करूंगा? तुमसे करूंगा, यानी कि यू। सेकेंड पर्सन में कौन आता है? यू। थर्ड पर्सन में जिसके बारे में बात होगी, थर्ड पर्सन में किसके बारे में बात होगी? किसी नाम के बारे में,
राम, सीता, पवन, कुछ भी है ना। और किसके बारे में, यदि नाम नहीं है तो क्या आएगा, ही या तो शी या तो इट, समझ में आ गया ना, ही शी इट, ठीक है ना, क्लियर हो गया। या दे, ठीक है ना, वे, ठीक है ना। मतलब हिंदी में समझ लो, अगर आप फर्स्ट पर्सन मतलब जो लोग बात करेंगे, यानी हिंदी में मैं या हम, हाँ या ना, मैं खेल रहा हूं, हम लोग कह रहे हैं, मतलब जो बात करेगा वो तो मैं होगा या क्या होगा, हम होगा। किससे बात करेगा, तुमसे, तो सेकेंड पर्सन क्या हो गया, तुमसे बोल रहा हूं। और किसके बारे में बोल रहा हूं, उसके बारे में बोल रहा हूं, यानी ही, थर्ड पर्सन। शी लड़की के बारे में बोल रहा हूं, इस पेन के बारे में बोल रहा हूं मतलब इट, उन खिलाड़ियों के बारे में बोल रहा हूं मतलब क्या, दे, दे का मतलब हिंदी में वे, इट का मतलब यह, शी का मतलब वे और ही का मतलब भी वे। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब सुनो भाई, नियम, नियम क्या है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस का नियम क्या है, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस के नियम की, कौन से टेंस की, प्रेजेंट इनडेफिनिट की, किसकी बात कर रहे हैं, इनडेफिनिट की। आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा प्रेजेंट इनडेफिनिट का रूल, तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि इतने सारे टेंस हैं, कैसे हैं, प्रेजेंट के चार, पास्ट के भी चार और फ्यूचर के भी कितने, चार, टोटल कितने हो गए, बारह, कितने हो गए, बारह, है ना, कन्फ्यूजन की नहीं है, इसलिए आपको अच्छे समझना पड़ेगा। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट का रूल क्या होता है, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट देखा करो, क्या देखा करो, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट देखो कि क्या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट, दे और नाम, और क्या, नाम। तो थर्ड पर्सन के साथ साथ एक और चीज, सिंगुलर, थर्ड पर्सन के साथ साथ क्या, सिंगुलर यानी कि एक वचन, सिंगुलर यानी कि एक वचन है, थर्ड पर्सन है साथ ही साथ सिंगुलर है। तो जरा पहचान लगाएं सिंगुलर में कौन कौन, ये बताओ नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है कि नहीं होता, नेम, नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल सही है, नेम अकेला होता है ना, एक बच्चे का नाम अकेला ही तो होता है, थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, ओके। क्या ही सिंगुलर होगा, ही, हाँ ही, बिल्कुल सही बात है, ही भी सिंगुलर, एक ही आएगा, शी सिंगुलर होगी, हाँ, होगी, होगी, इट सिंगुलर होगा, बिल्कुल होगा, क्या दे सिंगुलर होगा, हाँ, तो थर्ड पर्सन तो है दे मगर सिंगुलर नहीं है, यस। तो सिंगुलर कौन कौन है, नाम है, ही है, शी है, इट है। अगर ये सब कहीं पर मिल जाएं, ये सब कहीं पर मिल जाएं, तो प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इनडेफिनिट में, किसमें, प्रेजेंट इनडेफिनिट, बहुत बढ़िया आवाज आई बच्चों की, प्रेजेंट इनडेफिनिट में प्यारे बच्चों वर्ब के साथ आपको क्या लगाना है, एस लगाना है या ईएस लगाना है, एस लगाना है या Yes, मतलब वर्ब को प्लूरल बनाना है, क्या बनाना है वर्ब को, प्लूरल, यदि वर्क लिखा है तो वर्क को क्या कर देना है, वर्क्स, वर्क्स कर देना है, ओके okay? तो आपको या तो एस लगाना है या ई एस लगाना है, ठीक ना, ऐसे सब्जेक्ट बनेगा, ऐसा, सॉरी, ऐसा टेंस आपका बनेगा, वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। अगर प्ले लिखा है तो पी एल ए वाई ई एस, प्लेस बन जाएगा, ठीक है ना। तो रूल क्या है, देखिए यहां पर है, एस या ई एस इन द वर्ब प्रेजेंट इनडेफिनिट फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यस, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आपको एस या ई एस के लिए यूज करना है। अब आप कंफ्यूज जाओगे कि सर हमें ये नहीं पता है कि कहां एस लगता है और कहां ई एस लगता है, हमको ये नहीं पता, तो मैं आपको कुछ रूल यहां पर बता देता हूं कि एस या ई एस यानी कि प्लूरल बनाने के रूल, काय के रूल, प्लूरल बनाने के रूल, क्योंकि शायद आपने आज तक रूल नहीं पढ़े होंगे, आपसे किसी ने पूछा होगा रेट का प्लूरल बोलो तो आपने बोल दिया होगा रेट्स,
रैट का प्लूरल क्या हो गया? रैट्स। आपसे बोला होगा किसी ने माउस का प्लूरल? चलिए अच्छी जानकारी है आपको, माइस। नहीं तो मुझे तो लगा कि कहीं माउस का प्लूरल लोगों से पूछो तो बोल देते हैं माउसेस। क्या बोल देते हैं? बट ये रूल गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को याद है कि जो वर्ड वॉवल के साथ ख़त्म होता है, किसके साथ? वॉवल, उसके साथ ई एस जोड़ दो। चलो तो रूल पढ़ते हैं कुल मिला के। विद द मेन वर्ब एंडिंग विद लेटर ओ, लेटर ओ, जो ओ के साथ खत्म होंगे उनमें पक्के से ई एस लगाओगे। क्या लगाओगे? ई एस। गो का क्या बनेगा? गोज। डू का क्या बनेगा? डूज। समझ में आया ना? क्लियर हो गया? तो चलिए ये हो गया। यस, अब जो है विद द मेन वर्ब एंडिंग विद ई एस एस और एस एच, अगर कहीं पर कोई वर्ब जो है एस एस के साथ या एस एच के साथ खत्म हो रही है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाओगे? ई एस। क्या लगाओगे? ई एस। जैसे देखो किस एस, किस, के आई डबल एस, किस। किस का प्लूरल क्या बनेगा? के आई डबल एस ई एस, किसेस। मिस का क्या बनेगा? मिसेस। पास का क्या बनेगा? पासेस। पुश का क्या बनेगा? पुशेस। पास रश का क्या बनेगा? रशेस। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि ई एस कहाँ लगना है, अगर ओ से खत्म होगा तो ई एस लगाओ, अगर डबल एस से खत्म होगा या एस एच से खत्म होगा तो क्या लगाओगे? ई एस। एस एच से खत्म होने पर ई एस लगाओगे, ठीक है ना। अगर एक्स पे, डबल जेड पे और सी एच पे खत्म होगा तो भी क्या लगाओगे? ई एस, ठीक है ना। जैसे 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 फिक्स, फिक्स का क्या बनेगा? फिक्सेस। रिलैक्स, रिलैक्सेस। बज, बजेस। कैच, कैचेस। रीच, रीचेस। तो बच्चों ये आप याद रखिएगा, ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है ना। और रूल जान लो प्लूरल बनाने के, और ये रूल आपके बहुत काम में आएंगे प्लूरल के। क्या क्या होते हैं प्लूरल के रूल, देखो बड़े मज़े आ रहे हैं हम लोग को, है ना। अगर कहीं पर जैसे मैं समझो एग्जाम्पल से बताता हूँ, एग्जाम्पल से समझो। C O U N T R Y, ठीक है ना। C O U N N T R Y, ये देखो Y पे खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा। और Y के बाद क्या है? कॉन्सोनेंट है Y के पहले कि नहीं है? कि वॉवेल है? कॉन्सोनेंट है। हाँ, अगर कहीं पर कोई कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है और साथ में Y लग रहा है, कॉन्सोनेंट, Y के पहले कौन है? कॉन्सोनेंट, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? वाई हटा के आई ई एस। क्या लगाना पड़ेगा? आई ई एस। क्या लगाना पड़ेगा? हाँ, वाई को हटाइए, आई को लगाइए और साथ में ई एस लगाइए। देखिए कंट्री का बन जाएगा कंट्रीज। क्या बन जाएगा? कंट्रीज। क्या बन जाएगा? कंट्रीज। तो देखो सी ओ यू एन टी आर, वाई की जगह क्या लगेगा? आई और साथ में ई एस। क्लियर हो गया? तो सी आर वाई, ध्यान से देखो Y के पहले क्या कॉन्सोनेंट की वॉवेल है? कॉन्सोनेंट है, तो क्या बन जाएगा? क्राइज। मैरी का क्या बन जाएगा? ट्राई का क्या बन जाएगा? फ्लाई का क्या बन जाएगा? याद रखिएगा ये रूल को, ये रूल आपको याद रखने हैं कि अगर कभी भी लास्ट में Y है और Y के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो Y को हटाओ और क्या जोड़ दो? आई ई एस। यस। और अगर कभी वॉवेल आ गया है तो मत जोड़ देना भाई साहब, अगर कभी वॉवेल आ गया जैसे से, एस ए वाई, एस ए वाई, देखो लास्ट में क्या है और वाई के पहले क्या कॉन्सोनेंट की वॉवेल है? हाँ, तो अब ई एस लगेगा कि एस लगेगा? ओनली एस लगेगा। अब ई एस, आई ई एस मत जोड़ देना, अब केवल एस लगेगा। केवल क्या लगेगा? एस। जैसे मैं बात करूं प्ले, पी एल ए वाई, बोलो लास्ट में क्या है? वाई, और वाई के पहले कौन बैठा है? वॉवेल, तो केवल क्या लगेगा? एस। क्या लगेगा? एस लगेगा, ठीक ना। तो पी एल ए वाई एस, पी एल ए वाई एस। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, शुरुआत में मैंने क्या लिखा था, देखिए बताइए आप लोग, पी एल ए वाई ई एस लिखा था, तो ये सही है कि गलत है? गलत है, गलत है, गलत है।
ये आएगा क्या, पी एल ए वाई एस, आ गया समझ में आपको, क्लियर हो गया ना। तो यस इस तरीके से आपको है ना जोड़ना है, इस तरीके से आपको वर्क्स को जोड़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा वर्क्स, तो डब्ल्यू ओ आर के, चलो मुझे क्वेश्चन बताना एस होगा या ई एस होगा, अभी रूल्स पढ़ लेते हैं फिर आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया, क्लियर। चलिए अब ये मैंने बता दिया आपको, अगला रूल अब हम पढ़ाते हैं आपको कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा। क्या पढ़ाएंगे आपको, स्ट्रक्चर मतलब हम आपको बता रहे हैं फॉर्मूला बनाने का, बनाने का फॉर्मूला तरीका कि कैसे आप एक सेंटेंस को फॉर्म करोगे, इसका हम आपको तरीका बता रहे हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब बिल्कुल सीधा सीधा सेंटेंस, सकारात्मक हिंदी बोलते हैं क्या, सकारात्मक, जिसमें कोई निगेटिव बात ना हो, नानुकुर ना हो, प्रश्न ना पूछा गया, उसको हम बोलते हैं सकारात्मक। क्या बोलते हैं, सकारात्मक। तो देखिए इसका रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की, उसके साथ एस या ई एस जो लगे, एस या ई एस जो लगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। चलो मैं लिख देता हूँ, तो रूल में सबसे पहले नंबर में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, में क्या लगाओगे, एस लगाओगे या ई एस लगाओगे, और उसके बाद में क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट, क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट। अब चलिए मैं एक बनाता हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिखूँगा राम आम खाता है। अब पहले कि हिंदी के टेंस को देख करके आप पहचानो कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है। तो बेटा ये जो काम कर रहा है, जो मेन आदमी है, ये है राम, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। राम यानी कि नाम, मैंने बताया था नेम, नेम कौन सा पर्सन होता है, बिल्कुल सही है, थर्ड पर्सन है नाम, हाँ या ना, हाँ। और यहाँ पर वर्ब क्या है, खाता, खाता वर्ब है, तो ये हो गई वर्ब, हाँ या ना, खाना वर्ब हो गई। और ये आम क्या बन गया, इसका ऑब्जेक्ट बन गया, क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट, जिस चीज को खा रहा है, जिस चीज पर काम कर रहा है, हाँ उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। हिंदी में से बोलते हैं कर्म, क्या बोलते हैं, कर्म, जिस पर काम किया जाता है उसको कर्म बोलते हैं। तो ये हो गया। अब चलिए रूल के अकॉर्डिंगली बिठाइए, तो सबसे पहले रूल में आता है सब्जेक्ट, क्या आता है सबसे पहले रूल में, सब्जेक्ट आता है। चलिए थोड़ी जगह ले लूँ, हाँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले कौन आता भाई साहब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बताइए कौन है, राम है, कौन है सब्जेक्ट, राम है। तो मैं लिखूंगा क्या, राम, राम के बाद क्या आता भाई साहब, वर्ब, वर्ब खाते की वर्ब क्या होती बोलो, ईट। अब ईट के साथ क्या लगता है, एस, क्या जुड़ेगा, एस, क्या जुड़ेगा, एस, क्योंकि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ एस लगता है, क्या लगेगा, एस, ओके, राम ईट, और इसके बाद आएगा क्या, एस भी लगा दिया, मैंगो, राम ईट, ईट्स, सॉरी, ईट्स मैंगो, राम आम खाता है। अब आप मुझे कहीं पर भी बोलोगे राम ईट मैंगो, तो मैं कहूंगा भाई साहब ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है, समझ में आया ना, क्योंकि राम अकेला है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है, आपने नहीं लगाया मतलब ये गलत है। बट आप मुझे बोलोगे कि राम ईट्स मैंगो, मैं इसका हिंदी में तुरंत अनुवाद कर लूँगा कि राम जो है किसको खा रहा है, आम खाता है, समझ में आ गया, राम आम खाता है। तो यहां पर राम ईट्स मैंगो। अब आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। चलिए राम घूमने जाता है, आंख बंद करेंगे सभी बच्चे और अपने मन से सोच करके पहले बताइए, आंख बंद करिए और अपने मन से सोच करके बताएंगे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कि राम घूमने जाता है कि इंग्लिश बोलिए। चलिए बोलिए राम घूमने जाता है, मुंह से बोलिए इंग्लिश सभी लोग, टू
चलिए देखिए समय लग रहा है काफी, मैं बता देता हूं, राम घूमने जाता है क्या इंग्लिश बनेगा, राम गोज फॉर अ वॉक, राम जाने का गो होता है और गो के साथ क्या लगता है ईएस, क्या जोड़ता है ईएस, ये वॉवेल है, वॉवेल के साथ ईएस आता है, राम गोज फॉर अ वॉक, राम गोज फॉर अ वॉक। चलिए अब देखिए अगला, अगला आ गया मैं खेलता हूँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ फिर से इसको मैं समझाऊंगा आपको, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। चलिए ये आपके सामने मैंने सेंटेंस लिख दिया, अब इसको आपको बनाना है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखिए, फर्स्ट पर्सन की सेकंड की थर्ड, क्या? मैं क्या है सब्जेक्ट, मैं कौन सा पर्सन है, मैं मैंने पढ़ाया था फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है आई है ना, तो आई फर्स्ट पर्सन, मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन में एस या ई एस नहीं लगता है, केवल थर्ड पर्सन में ही लगता है, फर्स्ट में लगता है। खेलने को क्या बोलते हैं, बस और कुछ लगता नहीं है, तो इसका आंसर होगा आई प्ले, आई प्ले, मैं खेलता हूँ आई प्ले, ये देखिए मैं खेलता हूँ आई प्ले। अगला बताइए, अमन मेरे साथ रहता है, अमन मेरे साथ रहता, बताइए, अमन लिव्स विद मी, बिल्कुल सही, वेरी गुड, अमन लिव्स विद मी, बिकॉज अमन क्या है से थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो लिव के साथ एस लग जाएगा, एल आई वी ई एस, क्योंकि ऑलरेडी ई तो लगा ही हुआ है, तो क्या आएगा एस लग जाएगा, है ना, यस, एल आई, अमन लिव्स विद मी, हम हंसते हैं, हम कौन सा पर्सन है, हम थर्ड पर्सन, हम नहीं है थर्ड पर्सन भाई साहब, हम है सेकेंड, हम है, मैं और हम ये दोनों फर्स्ट पर्सन हैं, है ना, यस फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन में कभी भी एस या ईएस नहीं लगता है, तो बताइए क्या होगा हम हंसते हैं का, हाँ बिल्कुल सही, हम हंसते हैं का जो होगा हम का आ जाएगा बेटा वी, और हंसते हैं का आ जाएगा लाफ, एल ए यू जी एच, हम हंसते हैं वी लाफ, ठीक है। अगला, वे मरीजों को रक्तदान करते हैं, वे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, बट सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, मतलब इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा, तो वे मतलब दे। आगे बताइए, रक्तदान करना क्या बोलते हैं, डोनेट ब्लड, डोनेट ब्लड्स नहीं आएगा, ब्लड का प्लूरल ब्लड ही होता है, खून चाहे एक हो चाहे अनेक हो ब्लड ही बोलते हैं, डे डोनेट टू पेशेंट्स, देयर नहीं लेगा, उनका नहीं लिखा है, इसलिए केवल टू पेशेंट्स, ओके। चलिए अगला, रमेश सुबह 5 बजे उठ जाता है, बोलिए, वो कप नहीं बोलते बेटा, गेट्स अप बोलते हैं, और रमेश अकेला है तो क्या आएगा, वैसे होता है गेट अप, क्या होता है बेटा, बट सिंगुलर है, ये देखिए थर्ड पर्सन है तो गेट के साथ में एस लगेगा, गेट्स अप, तो रमेश गेट्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, क्लियर है। चलिए अगला, आंख बंद करके जवाब देंगे, वह दिन भर मूवी देखता है, हाँ वॉच क्यों आएगा, वॉचेस क्यों नहीं आएगा, वेरी गुड, ही वॉचेस मूवी ऑल द डे, या ही वॉचेस द मूवी ऑल डे, वैसे मूवी में हाथ दा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ही वॉचेस मूवी ऑल द डे, हाँ ऑल द डे, यस ऑल द डे, बिल्कुल सही है। चलिए अगला बताइए, वे मुझे पसंद करते हैं, यस बिल्कुल सही, दे लाइक मी, करेक्ट है, मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता हूँ, यस आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स, वेरी गुड, आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता हूँ, वह कार चलाना जानता है, ही नोज के बाद आपको लग रहा कि टू आएगा, ही नोज टू नहीं आएगा, ओनली ही नोज हाउ टू ड्राइव द कार, ही नोज हाउ टू ड्राइव द कार, तो बच्चों आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है कि एस या ई एस कहाँ लगाना और कहाँ नहीं लगाना है। एक बार मैं फिर से बता दूंगा कि जहाँ पर थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन हो और क्या हो, सिंगुलर हो, मतलब नेम हो, ही हो, शी हो,
इट हो, यहाँ पर आपका जो होगा वर्ब के साथ जो है एस या ई एस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब आइए देखते हैं, अभी आपने कैसे देखे अफर्मेटिव, कैसे देखे अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखे हैं आपने। अफर्मेटिव को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक, क्या बोलते हैं सकारात्मक। आप महसूस करिए कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसमें सीधा ही सीधा हुआ है, कोई नानुकुर नहीं हुआ है। राम गाड़ी चलाता है, राम बस चलाता है, राम स्कूल जाता है, ना तो किसी ने ना कहा कि राम बस नहीं चलाता है और ना किसी ने प्रश्न किया है। अब दूसरा आ रहा है आपके पास निगेटिव, क्या रहा है निगेटिव। मैं आपको केवल एक चीज बोलूँगा कि जहाँ पर आप एस या ई एस लगा रहे थे अभी तक, वहाँ पर आपको डज नॉट यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? डज नॉट। और जहाँ पर आप कुछ नहीं लगा रहे थे वहाँ पर आपको यूज़ करना है डू नॉट। क्या यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है? वर्ब के पहले, वर्ब के पहले। एग्जाम्पल मैं एक आपको बता देता हूँ, राम खाना नहीं खाता, राम खाना नहीं खाता। अब एक चीज समझिए पहले, ये क्या है? निगेटिव है। क्या है ये? निगेटिव। आपसे कोई पूछे कि क्यों ये अफर्मेटिव है? बिल्कुल नहीं, अफर्मेटिव नहीं, क्योंकि इसमें नहीं बैठा है। तो चलिए इस बनाते हैं सेंटेंस। राम, हाँ भाई साहब, राम एक वचन है ना, राम एक वचन है। ओके, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। तो आप एस या ई एस लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे? इसमें लगा रहे थे। तो जहाँ एस या ई एस लगाते थे तो ध्यान से देखिए वहाँ पे क्या यूज़ होगा, डज नॉट। डू नॉट नहीं लगेगा भाई साहब, डज नॉट लगेगा। तो राम डज नॉट, है ना, खाना खाना, है ना, ईट फूड से बेटर होता है आज आप लिखें टेक फूड। क्या होता है? टेक फूड। राम डज नॉट टेक फूड। अब ना एस लगाना है ना ई एस लगाना है, यही समझ लीजिए कि उस एस या ई एस की जगह क्या आ गया, डज नॉट। अगला मैं एक दे रहा हूँ आपको, देखता हूँ आपका दिमाग कितना चलता है। वे हॉकी नहीं खेलते, बताइए क्या होगा? वे हॉकी नहीं खेलते, बोलिए। दे वेरी गुड, डू नॉट। क्या आएगा? डू डू नॉट प्ले आएगा, एस का तो कोई रोल ही नहीं है, है ना, दे के साथ वैसे भी लगता ही नहीं। दे डू नॉट प्ले हॉकी, वे हॉकी नहीं खेलते। यस, दे सिंगुलर में है, यस, दे दो सॉरी दे प्लूरल में आएगा, सिंगुलर में नहीं आएगा, दे प्लूरल में है। ओके, अब प्लूरल में कभी भी वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता। चलिए तो देखिए रूल मैं बता दूं आपको, इसका रूल क्या, आप तो हम समझ चुके रूल, अब रूल की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी लिख देता हूँ। रूल क्या है? सब्जेक्ट सबसे पहले दे या ही जो भी है, प्लस डू लगेगा या डज लगेगा, और साथ में क्या लगेगा? नॉट। फिर क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। फिर क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए ये रूल आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपको रूल दिखा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस डू डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या? ऑब्जेक्ट। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो क्या यूज़ करेंगे? डज नॉट, और बाकी कुछ होगा तो डू नॉट। चलिए अगला बताइए कुछ क्वेश्चन। वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है, वह हर दिन स्नान नहीं करता है। यस, डज नॉट टेक बाथ, वेरी गुड, ही डज नॉट टेक बाथ एवरी डे। मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले, वेरी गुड, आई डू नॉट प्ले। वे लोग मेरे साथ नहीं रहते हैं, हाँ, वेरी गुड, डे डू नॉट लिव विद मी, बिल्कुल सही। उसके माता पिता उस पर भरोसा नहीं करते, उसके यानी हिज पेरेंट्स, बिल्कुल गलत। देखिए माता पिता यहाँ पे प्लूरल हो गया है, अब प्लूरल हो गया तो डज नहीं लगेगा, डू आएगा। हिज पेरेंट डू नॉट ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट ऑन हिम या ट्रस्ट हिम। अंकल मुझसे नहीं मिलते हैं, अंकल डू नॉट, अच्छा अंकल अकेले हैं भाई, फिर डू नॉट क्यों आएगा, डज नॉट आएगा। अंकल डज नॉट
मीट मीट मी, ओनली मीट विद नहीं आएगा, मीट मी। वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। ओहो, ही के साथ डू क्यों आएगा भाई? ही डज नॉट स्पीक्स इंग्लिश, स्पीक्स नहीं आता, स्पीक आएगा। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। तुम मुझे फोन नहीं करते हो, फोन। हाँ, यू के साथ क्या आएगा? यू डू नॉट कॉल मी, यू डू नॉट कॉल मी। वे मेरी टीम में नहीं खेलते हैं। वेरी गुड, दे डू नॉट प्ले इन माई टीम। राम रोज सुबह टहलता है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया आपको, सकारात्मक वाक्य, निगेटिव तो है नहीं, तो आपको सिंपल बनाना पड़ेगा। बताइए, राम रोज सुबह टहलता है। राम क्या आएगा, वॉक आएगा कि वॉक्स आएगा? राम वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सही है। और अगर मैं ये बोलूंगा कि राम सुबह रोज नहीं टहलता है, तो क्या लिखेंगे आप बताइए? राम डज नॉट, हाँ, वॉक एवरी डे या डेली, ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से बनाना है, निगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले, ठीक है ना। पॉजिटिव जो जिनमें कोई दिक्कत ना, उनको हम सकारात्मक यानी अफर्मेटिव बोलते हैं, और जिनमें दिक्कत होती है उसको हम नकारात्मक यानी कि निगेटिव बोलते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा निगेटिव और अफर्मेटिव हमने देख लिया है। अब अगले कैटेगरी में हम चलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या, इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। ओके, पूरा नाम है इनका प्रेजेंट इनडेफिनिट। क्या है? प्रेजेंट इनडेफिनिट। तो पूरा नाम मैं बोलूँ यदि, तो हम पढ़ने वाले, देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम कौन सी वेराइटी पढ़ रहे हैं? इनडेफिनिट। कौन सी वेराइटी? इनडेफिनिट। ओके, इनडेफिनिट में हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया? इनडेफिनिट में सबसे पहले हमने पढ़ा है अफर्मेटिव। क्या पढ़ा? अफर्मेटिव। फिर दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा? निगेटिव। दूसरे में हमने पढ़ा निगेटिव, और तीसरे में हम पढ़ने वाले हैं क्या? इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव की एक विशेष बात मैं बता दूं, इनमें क्वेश्चन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? क्वेश्चन किया जाएगा। अब देखो, इसमें कई सारे फॉर्मेट आएंगे। पहले मैं हिंदी में समझाता हूँ आपको। जैसे आपने देखा, राम खाना खाता है, पहले ये पढ़ा है मैंने आपको, है ना, राम खाना खाता है। फिर आपने देखा राम, ये क्या था? ये अफर्मेटिव था, ये अफर्मेटिव था। फिर आपने देखा कि राम जो है खाना नहीं खाता, राम जो है खाना नहीं खाता। बेटा इसको क्या बोलते हैं? इसको निगेटिव बोलते हैं। अब इसके बाद मैं बोलूँगा, क्या राम खाना खाता है? क्या राम खाना खाता है? तो ये क्वेश्चन मार्क लग गया, साथ में क्या भी आ गया, तो ये बन गया बच्चों इंट्रोगेटिव। क्या बन गया? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं देख लो, मैं आपको बता दूं। इंट्रोगेटिव करने के लिए, जैसे आप अभी निगेटिव में डज नॉट बाद में लगा रहे थे, बीच में लगा रहे थे, यहाँ पे डू या डज पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डू या डज पहले। फिर इसके बाद में आएगा क्या? सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर इसके बाद में आएगी वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल जैसे उसमें लगाते थे आप निगेटिव में। और इसके बाद में वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और आपको क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। चलिए, जैसे मैं ये बना, क्या राम खाना खाता है? तो राम क्या है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए बताओ, डू लगता है कि डज लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए क्या लगता है, डू या डज? डज लगता है। तो राम के लिए क्या आएगा? डज। सब्जेक्ट कौन है? राम ही है, तो डज राम। वर्ब क्या आएगा? देखिए, खाना खाता, खाना खाता यानी कि टेक फूड। डज राम टेक फूड, बस हो गया, काम खत्म हो गया, क्योंकि फूड तो ऑब्जेक्ट है। डज राम टेक फूड, या कुछ लोग इसको ईट भी लिख करके आएंगे, चलेगा, वो भी सही है। डज राम ईट फूड, है ना। क्या युवराज खेलता है? क्या युवराज खेलता है? इसको मैं पूछूंगा, क्या युवराज खेलता है? तो बेटा, डज युवराज प्ले
बस हो गया खत्म। डज युवराज प्ले, क्योंकि युवराज सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है तो डज आ गया। ओके ये हो गया। अब देखिए बच्चों, ये तो अगर कुछ भी नहीं केवल क्या लिखा हुआ है तो आपको डज लगाना है, बट क्या अगर कुछ भी नहीं लिखा है, क्या लिखा है तो आपको केवल डज लगाना है, डज से काम चल जाएगा, है ना। आपका मन क्या रहा होगा, अरे क्या आया तो है, फिर व्हाट क्यों नहीं आया। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें व्हाट लगाने की जरूरत आपको नहीं है। डज डू आगे आ गया मतलब समझ जाओ, है ना, इसमें समझ जाओ कि डू या डज आगे आ गया मतलब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। बट क्या आप देख सोचिए कि यदि आप ऐसे पूछ लें, युवराज कैसे खेलता है, कैसे खेलता है। अब आप अपने दिमाग की घंटी जलाइए, देखो यहां पे तो ता है मतलब क्या है, प्रेजेंट है, ये मतलब क्या है, प्रेजेंट है, और साथ में ये सॉरी यहां पे क्वेश्चन मार्क हो गई, प्रेजेंट में इंट्रोगेटिव तो था ही, साथ में एक और आ गया कैसे, क्या आ गया है कैसे, यस। तो मतलब यहां पर दो बार व्हाट हो गया, मतलब एक यहाँ पे डब्ल्यू एच टर्म आ गया, इस टर्म को बोलते हैं डब्ल्यू एच टर्म, क्या बोलते हैं W-H-term. हाँ डब्ल्यू एच टर्म मतलब कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, समझ गया ना। ये जितने भी क्वेश्चन वाले टर्म होते हैं इनको डब्ल्यू एच टर्म बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, इनकी स्पेलिंग को सबसे पहले रख देना है। तो कैसे को क्या बोलते हैं, वाई, क्या बोलते हैं वाई, बाकी पूरा आपका सेंटेंस वैसे का वैसे ही, वाई डज युवराज प्ले, लियो खत्म। हाँ युवराज कैसे खेलता है, तो यहाँ पे डब्ल्यू एच आगे आ जाएगा मतलब डब्ल्यू एच वर्ड आगे आ गया, ऐसे आपको करना है। वाई का मतलब कैसे होता है, युवराज वाई का मतलब क्या होता है, कैसे, समझ गया ना, वाई का मतलब कैसे। तो हाउ का मतलब भी तो हाँ, हाउ का मतलब कौन, हाउ का मतलब कौन, ठीक है ना। हाँ कैसे और क्यों एक ही चीज है, है ना, कैसे और क्यों एक ही चीज है। इंग्लिश में वाई का मतलब जो होता है क्यों के लिए भी लगता है और कैसे के लिए भी लगता है, ठीक है ना, और ठीक है ना, आगे समझ में ना, कौन के लिए, सॉरी यहाँ पे वाई नहीं आएगा, यहाँ पे हाउ आएगा, मुझसे गलती हो गई। हाँ क्योंकि हाउ आर यू मतलब तुम कैसे हो, तो यहाँ पे हाउ आएगा, हाउ डज युवराज प्ले, यहाँ पे हाउ आएगा, हाउ डज युवराज प्ले। ओके वाई का मतलब होता है क्यों और यहाँ पे कैसे होता है। ओके यस, तो चलिए हाउ डज युवराज प्ले, इस तरीके का आपको यूज़ करना, मतलब जो डब्ल्यू एच टर्म होगा उसको आपको आगे लगा देना है। ओके आपको आगे लगा देना है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, एक मैं आपके सब सेंटेंस दूं, राम क्या खाता है, क्या खाता है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि एक डब्ल्यू एच तो ये है और एक क्वेश्चन मार्क ये है, तो पहले डब्ल्यू एच टर्म का आएगा वाई, अब राम है तो वाई के बाद में क्या आएगा, डज राम ईट, वाई नहीं आएगा। क्या के लिए तो व्हाट होता है ना बेटा, क्या के लिए क्या आता है, व्हाट, तो व्हाट डज राम ईट, व्हाट डज राम ईट, क्योंकि क्या के लिए क्या यूज होगा, व्हाट। आ गया समझ आप लोग को, तो मतलब कुल मिला के जब डब्ल्यू एच वर्ड होंगे तो डब्ल्यू एच फैमिली के जो मेंबर होंगे सबसे आगे आ जाएंगे, क्या आगे आ जाएंगे, उसके बाद डू या डज लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। चलिए आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। नंबर वन, तुम कहाँ रहते हो, वेरी गुड, वेयर डू यू लिव, क्या बादल हवा में तैरते हैं, यस, एयर, बिल्कुल सही, डू क्लाउड्स, डू द क्लाउड्स फ्लोट इन द एयर, क्या वह स्टेज पर नाचती है, वह यानी कि सिंगुलर है, डू
टू नहीं आएगा, पहली चीज वह है मतलब शी है और सी के साथ डज लगता है। डज शी, डज शी डांस ऑन द स्टेज, वेरी गुड, डज शी डांस ऑन द स्टेज। अमन तुम्हारे साथ क्यों रहता है? अच्छा एक बात बताइए, अमन के साथ क्या डू लगेगा कि डज लगेगा? हाँ, वाई डज अमन लिव विद यू, बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट, क्या तुम इस बारे में सोचते हो? अबाउट इट, क्या वह रोज घर पर पढ़ता है? अच्छा, क्या वह है? वह डज ही स्टडी एट होम डेली। तुम कहाँ रहते हो? Where do you live? बिल्कुल सही। वह आजकल क्या करता है? टुडे नाउडेज वह आजकल क्या करता है? Study. अरे भाई देखिए, वह आजकल क्या करता है, देखिए जरा स्क्रीन पे कैसे बनेगा। वह आजकल क्या करता है? अब कहाँ डिड पहुंच गए भाई साहब, ता लगा है ता, तो सबसे पहले ये का आगे आएगा, वो आएगा व्हाट। ओके, वह लगा है मतलब डज ही। ओके, अब व्हाट डज ही करना यानी डू, व्हाट डज ही डू आजकल यानी नाउ अ डेज, व्हाट डज ही डू नाउ अ डेज। तुम घर पर कब पढ़ते हो? बिल्कुल सही, when do you study at home, योर होम नहीं आएगा, उसने तुम्हारे घर नहीं बोला, तुम घर पर कब पढ़ते हो, when do you study at home, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारे सारे के सारे सेंटेंस जो थे आपके सिंपल टाइप के जो सेंटेंस थे, कल हम जो है इसके बाद, आज हमारा पहला हो गया है, तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करके आइए, कल हम आपके सामने करेंगे कंटिन्यूस। ओके, कंटिन्यूस मतलब जो काम चल रहा होता है, जैसे राम खाना खा रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है ना, वो है। और बाकी इसमें थोड़ा सा एक और पार्ट बचा है, निगेटिव इंट्रोगेटिव, मतलब निगेटिव भी होंगे और साथ में इंट्रोगेटिव भी होंगे, जैसे कि क्या राम खाना नहीं खा रहा है, क्या युवराज आज खेलने नहीं जा रहा है, मतलब देखिए इसमें क्या भी लगा है, मतलब क्वेश्चन भी है और साथ ही साथ नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें।